हारून साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। बैनुल-कौमी मजहबी हम आहंगी की भी बहुत ज़रूरत है। साबक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अवाज़ ए हक़ मोहम्मद रहमान के इंटरव्यू किया है। लेकिन हमारे एक मोहतरम है, बुजुर्ग है हमारे, आप जानते होंगे, इमैनुअल जफर एडवोकेट, साबिक़ एमएनए भी हैं और कई कानूनी किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ ए हक़ के साथ आपका होस्ट हरून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और जो उनका ताल्लुक है वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के अलावा वो एक सोशल वर्कर भी हैं। नाम जो है उनका इमैनुअल यूसुफ है और वो एक ज़बरदस्त राइटर भी हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे जो उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, उसके बारे में पूछेंगे और साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि अभी थोड़ा अरसा पहले उनकी एक किताब है तारीख़े अक़लियत जो कि मंजर आम पर आई, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस किताब को लिखने का मकसद और जो उनकी खिदमत है उसका जो उनके ज़िंदगी में जो उसका मकसद है वो हमसे और हमारे नाज़रीन से बयान करेंगे। तो आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं। इमैनुअल साहब, सर हम आपको अपने प्रोग्राम आवाज़ ए हक़ में वेलकम करते हैं और हम इस बात के लिए भी खुश हैं कि आपने वक्त निकाला और आज नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। तो सर, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले 35 साल से जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को ये भी आज बताइए कि आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए किस तरह से एक तो सोशल वर्क जो है वो आप करते हैं और साथ ही साथ जो सहाफ़त का जो काम है वो आप किस तरह से करते हैं, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको इन दोनों कामों का जो शौक़ है वो बचपन से था या जवानी में ये शौक़ आप में जो है वो पैदा हुआ? हारून साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। जी हाँ, मुझे इन दोनों कामों का बचपन ही से शौक़ था और ये चीज़ें मुझे मेरे पापा जनाब यूसुफ मसी एडवोकेट, जो कि ख़ुद भी सोशल वर्कर हैं, उनसे विरसे में मिली हैं और वही मेरे आइडियल हैं और वही मेरी इंस्पायरेशन है। जहाँ तक इस हवाले से वक्त निकालने का ताल्लुक है, तो जब आपकी किसी काम में दिलचस्पी होती है तो आप मैनेज कर लेते हैं। तो इसी तरह पापा को बचपन में जब देखते थे तो वो अपनी सरकारी मुलाजमत पाकिस्तान रेलवे में थे, वो ऑफिसर थे, तो वो फलाही काम बड़े जोश व जज्बे से किया करते थे। ज़रूरतमंदों की इखलाकी और माली मदद के साथ साथ वसाइल ना होने वाले मुस्तहिक तालिब इल्मों को अपने घर में बुलाकर बिला मुआवजा उनको पढ़ाया करते थे। लिहाजा उन्हीं को देखकर मेरा रुझान इस तरफ हुआ और खुदावंद के फजल से मैं ये दोनों काम ऐसे तरीके से कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मनोज साहब, आप ये दोनों काम बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं सर अभी थोड़ा देर पहले अभी मैंने शुरू में अपने इंट्रो में ये बताया था कि ये एक किताब है तारीख़े अक़लियत, इसको आपने जो है वो लिखा है, तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि तारीख़े अक़लियत के बारे में जो लिखने का जो मकसद है इसका और इसकी अशात का जो ख्याल है वो आपको किस तरह से आया, और क्या आप मुस्तकबिल में भी कोई और किताब जो है वो आपकी मंज़िल आम पर आएगी? हाँ जी, गालिबन मैं 2 क्लास में था जब मुझे अखबार बीनी का शौक है। बचपन से लेकर अब तक मैंने ये नोट किया कि हमारे जो पॉलिसी साज अदारे और हुकूमतें जो हैं वो उनके सिर्फ अक़लियतों के लिए बड़े दिल फरेब बयानात देते हैं जो कि सिर्फ बयानात तक ही महदूद हैं। तो सिलेबस में जो हमें बच्चों को हमारे पढ़ाया जाता है उस सिलेबस की किताबों में भी अक़लियत, हमारे अक़लियती हीरोज़ जो हैं उनका कोई जिक्र नहीं, और हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को इससे एक साजिश के तहत बेखबर रखा जा रहा है। लिहाजा पॉलिसी साजों और हुकूमतों की इस बेहिसी को देखते हुए मैंने अक़लियतों के माजी के हीरोज और मौजूदा नस्ल के तमाम शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खदमात सर अंजाम देने वाले अफराद की खदमात को उजागर करने के लिए तारीख़ अक़लियत के नाम से एक किताब शाया करने का इरादा किया जो कि खुदावंद के फजल से शाया हो चुकी है, और ये सिलसिला जारी रहेगा और मुस्तकबिल में इस सिलसिले में मेरी मज़ीद किताबें भी मंजर आम पर आएंगी। मनोज साहब, आप खुद भी जो है वो मतलब लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, और मैंने देखा है कि आप अक़लियतों से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं ख़ास करके हर शोबा ज़िंदगी से आपने काफ़ी लोगों के जो है वो इंटरव्यूज़ किए, और इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने किन किन अहम शख्सियात के जो इंटरव्यूज़ हैं वो किए और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे नाज़रीन को कितना हुआ है या हमारे लोगों को कितना हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, इस सिलसिले में अक़लियतों के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि अपने जो अक्सरियत के लोग हैं उनको भी टच किया जाए। सही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वतन अजीज़ में रहने वाली अक़लियतें और अक्सरियत एक गुलदस्ते की मानत हैं, और इसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं और सारे फूल ही हमें दिलो जान से अजीज हैं। ऐसे ही ठीक है, और आज के इस दौर में जबकि शिद्दत पसंदी की एक लहर आई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मजहबी हमाहंगी की, बैन अल-अक़वामी मजहबी हमाहंगी की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसी के मद्देनज़र मैंने अक्सरियत के चंद लीडर्स के भी इंटरव्यू किए जिनमें साबक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अच्छा, साबक वफाकी वज़ीर बाय मजहबी अमूर एजाज़ुल हक़, साबक वफाकी वज़ीर मुशाहिदुल्लाह खान, साबक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और मौजूदा गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के इंटरव्यू किए हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने मतलब इतनी अहम शख्सियात के जो हैं वो इंटरव्यूज़ किए हैं। असल मकसद मेरा यही था कि उनसे माइनॉरिटीज़ के हवाले से उनके व्यूज़ जानूँ कि वो क्या कहते हैं, उनको हम अपने मसाइल बताएं, ये मसला है, ये प्रॉब्लम्स हैं हमें, जैसे हल्का बंदियों का और मसले हैं, उनका व्यू भी उसमें मैंने लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो मनोज साहब, आपने अक्सर जो है वो जो वतन अजीज़ की जो अक़लियतें हैं उनके जो मुतालबात हैं या जो उनके तनाज़र हैं उसके हवाले से आपने अक्सर जो है वो अपने कॉलम्स जो हैं उनमें भी काफ़ी कुछ लिखा है, और पॉलिसी साज और हुकूमतों पर भी आप तनकीद करते रहे हैं। क्या तनकीद की जो वजह है आपको इसके हवाले से कोई मसाइल जो है वो दरपेश हुए? नहीं, ऐसा तो कोई मिसाल नहीं, लेकिन तनकीद काफी होती है। अच्छा, धमकियां भी छोटी मोटी मिलती रहती है। सही, तो लेकिन मैं इन धमकियों की परवाह नहीं करता और खुदा ने जो मुझे तोड़ा अता किया है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने बंदों की हिफाजत करता है। बिल्कुल ऐसी, और जैसा कि आपको मालूम है कि इमानुएल का मतलब यह है कि खुदावंद हमारे साथ। बिल्कुल ऐसी है, तो इसलिए मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम करता रहता हूँ इसी तरह। जी, अच्छा, आप YouTube चैनल पे एक होस्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बताइए कि अक़लियतों के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसकी क्या अहमियत है, ताकि हमारे नाजरीन को इसके बारे में भी पता चल सके। अच्छा हारून साहब, मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ज़्यादातर लिखने का मतलब प्रिंट मीडिया में लिखने का शौक था, लेकिन हमारे एक मोहतरम है, बुजुर्ग है हमारे, आप जानते होंगे, इमैनुअल जफर एडवोकेट, साबिक़ एमएनए भी हैं और कई कानूनी किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। तकरीबन 35 के करीब उनकी किताबें जो कि सिलेबस में भी पढ़ाई जाती हैं, जो वकील बनते हैं ना, लॉयर बनते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उनके सिलेबस में वो पढ़ाई जाती है। तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि कोई मसीही बंदा, मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा कितना काबिल है। तो उनका एक मैगज़ीन छपता हम सुखन के नाम से, उसके लिए मैं लिखता था, बड़ी वो हौसला अफजाई करते थे नए लिखने वालों को, दोस्तों के साथ। हालांकि होता है ना, अब्रॉड जो चला जाता है तो होता है कि नहीं जी बड़े मसरूफ जिंदगी है ये वो मतलब मुझे खुशी होती है इस पैराना साली में भी बुजुर्ग है वो, मेरा ख्याल 70+ हैं, अच्छा उससे भी ज्यादा होंगे। तो मेरे वो चूंकि वो फैमिली फ्रेंड है मेरे वालिद साहब के, मेरे भाई के, और हमारे फैमिली फ्रेंड है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हालात हाजरा पे लिखा करें। उनके फिर मैगजीन में लिखना मैंने शुरू किया हम सुखन के नाम से ना, पाकिस्तान से और बरतानिया से बैकवुक छपता है, उसमें लिखता था। फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद मतलब वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए ना कि जी चैनल अपना एक बनाया, यूट्यूब चैनल उस हम सुखन के नाम से ही। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसमें कोई प्रोग्राम मेरा एक आधा कर दें। मैंने उनको बताया कि जी मेरा ना तो कोई तजर्बा है, तो ना मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किया है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, पता सीख जाता, आप शुरू तो करो। टाइम भी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 35 साल से मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो बड़ी टफ ड्यूटी होती है। सरकारी में तो आपको पता ना कि बंदा हाजिरी लगा के भाई गायब हो जाता है, प्राइवेट में इस तरह नहीं है सिलसिला। तो वो फिर मैंने हारून साहब इसी तरह ना उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए, बुजुर्ग है मेरे, मैंने शुरू किया, आगाज किया। तो अब जैसा भी है पंजाबी माड़ा मोटा मैं कर रहा हूँ आपके सामने है। अच्छा, और बाकी जो आपने क्या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं नौजवान, उसमें यही कि इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। अब जो है ना प्रिंट मीडिया का दौर नहीं रहा, या कह लें कि बहुत कम हो गया है। जो जैसे मेरे पापा हैं वो 90+ हैं, उन्होंने उनके दौर में कंप्यूटर था नहीं, ना उनको फेसबुक का पता, ना उनको यूट्यूब का पता, वो अखबार ही पढ़ते हैं। सही, वो भी बड़े शौकीन है पढ़ाने, मुझे उनको देख के ही मतलब शौक हुआ था। तो उनके पास अभी भी अखबार, मतलब बहुत थोड़े लोग रह गए हैं। अब दौर जो है ना वो इसी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। जो नौजवान बच्चे बच्चियां आना चाहते हैं जरूर आए, मैं उनकी हौसला अफजाई करूंगा, और कोई अगर उनकी हेल्प की जरूरत भी तो वो भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगला दौर ही जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है और इसी का स्कोप है। बिल्कुल ऐसे है। तो सर आज इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप हमारी नौजवान जो नस्ल है उसको कोई पैगाम देना चाहें, और या उनको कोई ऐसी मोटिवेशन कोई बात कहना चाहें, ताकि क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी पीछे हैं हर मैदान में। तो आप हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं उनको क्या कोई पैगाम देंगे? अच्छा, उनको पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ फोकस करें। अब हमारे जो है ना सिख बरादरी के तकरीबन 5-6 हज़ार लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, अप्रॉक्सीमेटली मेरा अंदाजा है। अच्छा, लेकिन उनके बच्चे अब मैंने देखा कि सिख जो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी, मीडिया पे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी काफ़ी वो मतलब ना उनका जिक्र आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के, मैं 2-4 लोगों से मिला भी हूँ, एक MP हैं उनसे भी मिला हूँ, और भी लोगों से। हमारे नौजवानों को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे जोर दें, मेडिकल में आएँ, प्रिंट मीडिया में आएँ, दूसरों में आएँ, लेकिन सब मेन जो है ना मैं जो समझता हूँ जो इसका निचोड़ है वो एजुकेशन ही है। तो उसमें एक्सेल करें तो आगे उनके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल जो है वो मैं एक पर्सनली तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बात जब नौजवानों की हो रही है तो मैं चाहता हूं कि हम मज़ीद इस पे जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि नेशनल न्यूज़नामा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो नौजवानों के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम लेके आए, नौजवानों के लिए ऐसे लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए, ताकि हमारे नौजवानों के लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन उनको मिल सके। तो क्योंकि आप सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक है, आप सोशल वर्कर भी हैं, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे नौजवानों को जो है वो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, तो हमारे लोगों के पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं। तो अभी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोग चर्चेस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास करके उन पासबानों को, उन पास्टर साहबान को? क्योंकि ये सवाल मैंने आपको पहले कहा ये थोड़ा सा हट के है, लेकिन एक मैसेज जो है वो आप ज़रूर जो है वो कन्वे करें हमारे नौजवानों के लिए। अच्छा, नहीं मैं अगर ज़्यादा खुल के बात करूँगा ना तो फिर वो हमारे पास्टर साहबान नाराज़ होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ठीक है, अच्छी बात है, चर्च भी बनाने चाहिए, लेकिन जो है ना फलाही अदारे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया। हमारे जो अक्सरियत के भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जमात इस्लामी है और तंजीमें हैं, वो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। फ्री क्लिनिक्स भी हैं, पर जो नौजवान बच्चियां हैं उनकी शादियां कराते हैं। पूरा आपको पता है, आपके बिल्कुल ऐसे ही है, इकट्ठे 100-100, 50-50, उनको जहेज, सब कुछ जो भी जरूरी है। तो लेकिन हमारे माजरत के साथ हमारे जो है ना रिलीजियस लीडर, वो इस तरफ जरा कम ही ध्यान देते हैं। हाँ जी, वो तो उनको चाहिए कि फलाही इदारे बनाएं, कैरियर काउंसलिंग के लिए इदारे बनाएं, और चर्च भी बनाना बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं कहता। लेकिन अब बाहर कॉलोनी में ही अगर आप गिनती भी करना चाहेंगे ना, तो मेरा ख्याल गिनती नहीं कर सकेंगे, इतने चर्चेस हो गए। तो हर काम में अगर मेहना रवि हो, मुझे एक दोस्त बता रहा था, जिक्र हो रहा था, मैं तो कम ही इस मौजूद पे बोलता हूँ कि कोई बुरा ना मनाए कि जी मतलब पास्टर्स के खिलाफ है ये वाला का, मैं तो बहुत मैं खिलाफ होने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक ऐसी बात मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप देखें पिछले 35 साल से इस फील्ड में है, तो मतलब थोड़ा सा हमारे लोगों को इस बारे में जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मतलब यही तमाम लोग जो हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर जो हैं, ये अगर मतलब स्कूल्स या इस तरह की कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं जहां से हमारे नौजवान जो है वो एजुकेट हो के निकलें, ताकि वो आगे फील्ड में जो है वो बेहतर तौर पर अपनी लाइफ को जो है वो सर्वाइव कर पाएं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, इस तरह होना चाहिए। और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग मिलते हैं, दोस्ती, पास्टर साहब हमारे दोस्त हैं, ऐसे आप खुद भी पास्टर हैं, तो काफी लोगों से दोस्ती, उनको हम कहते भी, वो कहता है जी हमारे पास वसाइल नहीं है। मैंने एक बंदा मुझे बता रहा था, बात बीच में कह रहा जी मैनुअल साहब देखो जिस तरह ये बना रहे हैं चर्चेज इतने बड़े बड़े, अभी तो बाहर कॉलोनी में जो बना है चर्च इतना बड़ा सा, ठीक है, तो वो कह रही करोड़ों रुपया लग गया होगा इस पर। तो अगर ये इन्होंने फैक्ट्री लगाई होती तो इतने लोगों को रोजगार मिलता। उनकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप को खुदावंद कभी तौफीक दे तो आप भी करें, आगाज करें इस चीज का। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ, होना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग, फलाही इदारे, बच्चियों, जो हमारी जवान बच्चियां हैं, बहुत सी मतलब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारी बच्चियां 40-40, 45-45 साल की उम्र क्रॉस कर गई हैं, बेचारी अभी तक बगैर शादी के बैठी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे जो हमारे नौजवान हैं, लड़के स्पेशली, वो कम तालीम याफ्ता हैं, लड़कियां पढ़ जाती हैं, लड़के जो हैं वो नशे में या और उनकी जो भी है सिलसिले वो पड़े हुए हैं, कम पढ़ते हैं। निस्बतन जो बच्चियां बेटियां हमारी वो ज्यादा पढ़ जाती हैं। तो इस तरफ उनको तवज्जो देना। चर्च में समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, उनके साथ पूरा बपतिस्मे से लेकर डेथ तक पूरा रिकॉर्ड होता है, वो इस सिलसिले में बिल्कुल अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनको आगे बढ़ना चाहिए इस सिलसिले में, जो है मतलब जो कमी हम महसूस कर रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, और ख़ास करके जो आपने अपनी जो सोशल वर्क है आपका, और साथ ही साथ जो आप मतलब सहाफ़त करते हैं, उसके बारे में आपने हमारे नाज़रीन को बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ये जो किताब है तारीख़े अक़लियत, ये ज़रूर जो है वो सबके हाथ में हो, ताकि लोग इसको पढ़ें और जान सकें कि किस तरह से जो हमारी अक़लियत है वो, उसका क्या म्यार है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, या उनको किस तरह से जो है अपने आप को इस मुल्क में जो है दूसरों के सामने नुमाया पेश करना है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अभी आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे इमैनुअल यूसुफ साहब की, और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपनी सहाफ़ाना जो खिदमत है उसके बारे में, उनका जो सोशल वर्क है उसके बारे में उन्होंने सारी बातचीत की, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो किताब है तारीख़े अक़लियत, अगर कोई इस किताब को लेना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर हम आपको वो बुक्स स्टोर जो है वो आवेज़ा कर देंगे, ताकि आप इस किताब को जो है वो हासिल कर सकें और इसको ज़रूर जो है वो आप पढ़ें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर नेशनल न्यूज़नामा को हमेशा देखते रहें, और नेशनल न्यूज़नामा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो ऐसे लोगों को अपने स्टूडियो में दावत दे, एक तो जो हमारी अक़लियत के बारे में बात करते हैं, उससे ज़्यादा वो हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बेटे और हमारी बेटियों के बारे में जो है वो बातचीत करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है वो इमैनुअल यूसुफ साहब की जो सहाफ़ाना खिदमत है, उनकी जो सारी बातचीत है उसको गौर से सुने, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, आप ज़रूर नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर शेयर करें, ताकि नेशनल न्यूज़नामा की हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोग्राम ला सकें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।